बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आज की स्लाइड की जाने। आज हमने क्या डिस्कस करना है, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर वन नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेट सी टूडेज टॉपिक नंबर लाइन। नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विद नंबर्स डिस्प्लेड ऑन इट एट इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग द लेंथ। अ नंबर लाइन इज शोन बिलो। नंबर लाइन किसे कहा गया है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर्स ड्रॉ हैं। ये देखें जीरो, ये वन लाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। एक ऐसी लाइन है जिसके राइट साइड पर ऑल पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट साइड पर ऑल नेगेटिव नंबर्स हैं। ओ से हमने इसको डिनोट किया है, ये एल से हम नंबर लाइन को शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, द एरोज एट द एंड शोज दैट द नंबर लाइन कीप्स इंक्रीजिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। ये जो एरोज अभी आपने पिक देखी है, उससे पहले जो भी एरोज हैं, इसका मतलब ये है कि ये लाइन गोज ऑन है, ये मूविंग है, ये रुकी नहीं है, ये दोनों साइड से इंक्रीजिंग है, दोनों साइड पर इसके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अपनी जरूरत के मुताबिक इस लाइन को सेट करते हैं, आपको कितने नंबर चाहिए, आप कितने तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वी सी दैट द नंबर लाइन स्टार्ट विद ओ। आपको पता है कि नंबर लाइन जो है ओ से स्टार्ट हुई है, एंड नंबर्स आर इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द राइट, और नंबर जो है वो राइट साइड पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अ नंबर लाइन मेक्स इट इजी टू फाइंड विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। नंबर लाइन का हमें ये फायदा होता है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। अ नंबर ऑन द राइट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट। जो राइट साइड वाले नंबर हैं वो ग्रेटर देन होते हैं लेफ्ट साइड वाले नंबर से। एग्जाम्पल जैसे कि फोर है, तो काउंटिंग में फोर जो है वो ग्रेटर देन थ्री होता है। इसी तरह सिक्स जो है ये ग्रेटर देन फाइव, एंड थ्री ग्रेटर देन वन, एंड एक्सेट्रा। इसी तरीके से सो वन सो फोर आपने काउंटिंग करते जाना है। लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर आपको बताएं, पहले 15 है, फिर 21 एंड 11। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर ये देखिए एक लाइन ड्रॉ है, उसको आप काउंट करें। जीरो से आप शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जितनी आपको रिक्वायर्ड लाइन्स हैं आपने पहले देख लेना है, उसी के मुताबिक आपने इसको क्या ड्रॉ करना है। फिर जो नंबर आपसे पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर 11 है, पहले 11 आ रहा है तो आप 11 वाली लाइन को हाईलाइट करेंगे। फिर आपके बाद उसके बाद 15 है, आप 15 की लाइन को हाईलाइट करेंगे, एंड लास्ट 21 है, आप 21 वाली लाइन को हाईलाइट करके उस पर एक एरो शो करेंगे। तो ये आपने नंबर को डिस्प्ले कर दिया नंबर लाइन पर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू है, आइडेंटिफाई द नंबर्स शोन बाय एन एरो ऑन द गिवन नंबर्स। आपने आइडेंटिफाई करना है इन एरोज को कि ये कौन से नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है, इसका सलूशन है जी, ये नंबर टू पे आ रहा है, फाइव पे आ रहा है, आप काउंटिंग देखें, जीरो वन फिर टू थ्री फोर फाइव। तो जिन पर एरोज लगे हुए हैं आप इसी वे में काउंटिंग करते जाएंगे, जो जो नंबर आता जाएगा यहाँ पर राइट करते जाएंगे। फाइव है, फिर ये नेक्स्ट एट, इनको एरोज पे, इन पर एरोज बने हुए हैं, तो ये नंबर आपने इस तरीके से बता देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन बी है, अब यहाँ पर नंबर नहीं बताए, सिंपल एरोज शो किए हुए हैं, तो आपने नंबर्स बताने के कौन से नंबर है जिन पर एरोज आ रहे हैं। तो आप फिर इसी तरीके से काउंट करते जाएंगे, जीरो है, फिर ये फाइव है, इसके दरमियान में छोटी छोटी और लाइन्स होती है, ये फाइव, ठीक है, उसके बाद ये टेन, ये फिफ्टीन है, तो फिफ्टीन पर हाईलाइट है, तो फिफ्टीन आप राइट करेंगे, फिर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी, एंड सिमिलरली जो जिस जिस लाइन पर एरो है आप उसको काउंट करते जाएंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।